मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों के साथ ही इंदौर जिले की सबसे प्रतिष्ठापूर्ण माने जाने वाली सांवेर विधानसभा सीट से आखिरकार कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने जल संसाधन मंत्री और सिंधिया के करीबी तुलसी सिलावट को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों के साथ ही इंदौर जिले की सबसे प्रतिष्ठापूर्ण मानी जाने वाली सांवेर विधानसभा सीट से आखिरकार कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने जल संसाधन मंत्री और सिंधिया के करीबी तुलसी सिलावट को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। आज इंदौर में प्रेस से चर्चा के दौरान गुड्डू ने न केवल तुलसी सिलावट को सांवेर उपचुनाव में हराने का दावा किया, वहीं गुड्डू सिंधिया परिवार पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। प्रेमचंद गुड्डू ने आरोप लगाया कि किसानों के मुद्दों पर लगातार सरकारों को चिट्ठियां लिखने वाले सिंधिया आज किसानों से बात करने को तैयार नहीं है, ना ही सिलावट किसानों की सुध लेना है। सांवेर के किसान ही समर्थन मूल्य से कम कीमतों पर 1400-1500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बेचने पर मजबूर है। जो सब्जियां लाई थी वह मंडियां बंद होने के कारण नहीं बिक पाने के कारण किसानों को खेतों में ही नष्ट करनी पड़ी। आज संकट के इस समय में बड़े बड़े दावा करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिलावट किसानों और सांवेर के मतदाताओं को धोखा देकर घरों में दुबके हुए हैं। इस दौरान श्री गुड्डू ने सिंधिया परिवार पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई को हराने में जिनका योगदान था वह सामंती खुद को जनहितेशी बताकर कांग्रेस को भी धोखा दे चुके हैं। ऐसा सिंधिया परिवार के अन्य लोगों ने अपने हितों को साधने के लिए लगातार किया। अब कांग्रेस को धोखा देने के बाद सिंधिया और सिलावट को सांवेर की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कोरोना के कारण लॉकडाउन और कर्फ्यू में सबसे खराब हालत के के हुई है, जो झूठ बोलने वाले भाजपा नेता और दल बदलुओं को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए सिंधिया और तुलसी की हार सांवेर में तय है, जिसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान संभालने को तैयार है। गौरतलब है प्रेमचंद गुड्डू फिलहाल भाजपा में है, लेकिन माना जा रहा है कि सीधे तौर पर सिंधिया और तुलसी सिलावट की मुखालफत करने पर उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई तय है। नहीं, तुलसी सिलावट और ज्योतिराव सिंधिया को हराना है। आज किसान इतना तकलीफ में परेशान है, यही नहीं रहे जा ही नहीं रहे। 1400-1500 रुपए के भाव में गेहूँ बेच रहा, प्याज खरीदने वाला नहीं, 5-6 रुपए किलो में, और उसको भी उठाने वाला नहीं है। किसानों ने खेतों में ट्रैक्टरों से प्याज ख़त्म कर दिया, तो किसानों की तो मुख्य व्यवसाय धंधा ही है। और जब ये जमाने भर के लीडर ये बोलते थे कि हम सड़कों पे आ जाएंगे और ये करेंगे, अब ये किसान यहाँ तकलीफ में है, परेशानी में, अब क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पे? कोरोना है, कोरोना में तकलीफ़ है लोगों को, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आएँ बीच में, सड़कों पे आएँ, बात करें। और ये जो है हमेशा से ये षड्यंत्रकारी लोग रहे हैं, इस देश के साथ गद्दारी की सिंधिया परिवार ने, इस देश के फ्रीडम फाइटरों को महारानी लक्ष्मीबाई को अपने किले में बुलवा के अंग्रेजों से मरवा दिया, और राजमाता ने भी धोखा दिया, सरकार गिराई थी। इनके पिताजी माधवराव सिंधिया, उनने भी कांग्रेस को धोखा दिया था और कांग्रेस से हट के चुनाव लड़े थे। और इसी तरीके से 2006 में जो है वसुंधरा राजे सिंधिया इंदौर में झांसी की रानी के प्रतिमा का अनावरण करने आई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि यदि अपने पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है और पूर्वजों की गलती सुधारने के लिए आपको माफ़ी मांगना पड़े, जब जो देश बोल रहा है पूरा, रानी झांसी की हत्या हुई उसमें इनके परिवार थे, महात्मा गांधी की हत्या हुई उसको जो पिस्तौल थी वो ग्वालियर राजघराने की पिस्तौल थी, तो यदि कोई गलती हो गई है तो उस गलती को इनको मान के माफ़ी मांगना चाहिए। और माफ़ी मांग के लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश का, देश का वातावरण भी इस तरीके से बना दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि इनको सबक सिखाने के लिए सांवेर की जनता, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र है, पहले MLA रहा हूँ मैं, वहाँ से जनता सबक सिखाएगी और निश्चित तौर से तुलसी सिलावट को यहाँ पे चुनाव हराएंगे और तुलसी सिलावट की हार यानी ज्योतिराव सिंधिया की हार मानी जाएगी। तो ये सबक देंगे हम लोग। अभी आपकी दावेदारी तय हो गई है या किस तरह का आगे? मैं किसी की भी कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। ये सामंतवादों को, ताकतों को किस तरीके से रोकना, सामंतियों को किस तरीके से रोकना, मैं इस तैयारी में लगा हूँ कि मैं तो पार्षद, विधायक, सांसद सब रह लिया हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई माया मोह नहीं है कि जिसमें विधायक, सांसद या रहूँ मैं, ये सब चीज़ें मैंने देख ली। लेकिन हम लोगों ने प्रण किया है कि